कहते हैं कौन इंसान होगा ऐसा जो अपनी बेटी के शादी में नहीं रोया होगा। पहाड़ जैसा इंसान होगा तो भी वो रो लेगा। लग्न के बाद भी भरत जी के साथ गया है अपने मामा के घर। एक दिन दशरथ राजा ने आईने में अपना मुख देखा है तो उनके सर पर एक सफेद बाल था। वो बाल देख करके दशरथ राजा को हुआ कि अब मैं वृद्ध हो गया, अब ये मेरा राज्य सिंहासन ये सब जो जवाबदारी है वो मैं मेरे एक लड़के को सौंप करके मैं अब संन्यास ले लूं। उन्हीं को बताया है कि गुरुजी अब मेरी थोड़ी उम्र हो गई है, वृद्धावस्था, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं मेरा जो राज्य सिंहासन है ये जो भी जिम्मेदारी है वो मेरे एक लड़के को मैं दे दूं। यार है, चालाक है, आप राजगादी की जो ये जिम्मेदारी है वो अयोध्या की गादी राम जी को दी जावे। थोड़ी ही देर में अयोध्या नगर में ये बात चलती है कि अपने अयोध्या के राजा राम जी होंगे, जिसका नाम मंथरा है। वो मंथरा के कान पे ये बात आती है कि राज सिंहासन राम जी को देने वाले हैं। मंथरा के पेट में कुछ गड़बड़ होती है। मंथरा सीधी जाती है कैकेयी मैया के पास। कैकेयी मैया के पास जाकर के बोले, तुम्हारा भरत उनके मामा के घर गया है, इसके लिए दशरथ राजा ने नक्की किया कि राम जी को राज्याभिषेक दिया जाए। तो क्या हुआ, वो भी मेरा ही लड़का है, भले राम राजा हो गए। जो कहानी होती है, जो कुबड़ी होती है, वो अपने दिल की पापी होती है कि अगर अयोध्या की गादी राम जी को मिले या लखन को मिले, किसी को भी मिले, राजी होना चाहिए। तू ऐसे पेट क्यों फूटती है। मंथरा ने धमका पीछे कैकेयी मैया, कैकेयी मैया पर पेटना साफ छे कि भले राम राजा बने पर तने केम आटलू पेट में लाई थाई छे। कैकेयी मैया ने उसको बहुत डांटा है। मंथरा बोले, अरे कैकेयी मैया, आपको दशरथ राजा से दो वरदान लेने हैं, अभी ये समय है, आप मांग लो कि राम जी को 14 साल वनवास हो गए और भरत जी को राजगादी मिले। कैकेयी मैया का कुछ नहीं चला। बहनों, समाज में आज आवी मंथराओ है पर नाम जुदा जुदा छे। आवी मंथराओ थी बचीने रहजो, जे सासु वहू ने झगड़ाई मारे, पति पत्नी ने झगड़ाई मारे, सोसाइटी ने नाके उभी रहे, अने भाई ने बाइक लई निकलता हो तो उभा राखे के आज तो आऊ थयो। घर वालों बिचारो सीधो साधो होय, घेर जई अने मेथी पकाते हमने लईला जाय। पण एक बात समझी लेजो के ज्यां सुधी सत्य नो अनुभव न करो त्यां सुधी कोई पगलो न भरसो, અને આવી મંત્રાઓથી બચીને રહેજો। મંદિરના ઓટલા હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ આવી મંત્રાઓ બે પાંચ બહેનોને ભેગા કરી અને વાત કરે કે આજે તો સાસુ બહુ ઝઘડી પડ્યા, જ્યાં સુધી કોઈની નિંદા ન કરે
क्या सुधी है ने खावा लूंगा पूछे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी मंत्रा होती बची ने रे भी वरदान मांगी नहीं चाहिए। रात्रे कोक भुवन मा दशरथ राजा ने कई कई मड़या छे तो कई कई मैया ए वंदन करया छे ने दशरथ राजा ने याद अपावी छे के हूँ तुम्हारी पासे बे वरदान मांगू छू। एक बार कार्तिकी ने कार्तिकेय एटले आ शिवजी महाराज नो दीकरो गणपति नी छे ए वक्ते दशरथ राजा मदद माटे गया होय छे पण दशरथ राजा नो जे रथ छे एनो खिल्लो निकली गयेलो त्यारे दशरथ राजा ने कई कई उठाई ने लई गई थी सारी जग्याए अने एमनी सेवा करेली। दशरथ राजा ए ए समय कीधेलो के हे राणी कोई पण बे वरदान तमे मारी जोड़े मांगी लो पण कई कई ए एवुं कीधेलो के मारे समय आवशे त्यारे हुं वरदान मांगीश। आजे बे वरदान मांगवानी तैयारी बतावी छे दशरथ राजा। कई कई ए कीधुं छे के तमे पहला राम ना सौगंध खाओ आप राम जी की कसम खाओ फिर मैं मेरा वरदान मांगू। दशरथ राजा ने राम जी की कसम खाई कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। राम जी की कसम खाने पर दशरथ राजा को कई कई ने बोला कि मेरे भरत जी को राज का भी मिले और राम जी को 14 साल वनवास हो गए। दशरथ राजा गिड़ गिड़ाने लगते हैं रोने लगते हैं अरे देवी कुछ दूसरा मांगो आपने राम जी की कसम खाई है। दशरथ राजा प्राण जाए पर वचन न जाए रघुकुल रीत सदा चली आवे। दशरथ राजा अपनी जो सर पे पागड़ी है वो निकाल के कई कई के पांव के ऊपर रख देते हैं कि आप दूसरा मांग लो। कई कई बोले नहीं मैं जो वरदान मांगा है वो बराबर है रोते हुए वरदान दिया है। वरदान दे करके दशरथ राजा मूर्छा अवस्था में आ गए हैं। दूसरा दिन सूर्य नारायण राम जी बोले बोलो पिताजी बेटा तू 14 साल वन में जा और ये जो राजगद्दी है वो मैं भरत जी अच्छे अच्छे फल खाने का लाभ मिलेगा। अरे पिताजी आप नहीं बोले होते तो भी मेरे वो इच्छा थी कि मैं जी को बोला के आज्ञा दो मैं वन में आज ही चला जाता हूँ। दशरथ राजा कि वहां से निकल के राम जी कई कई मैया को वंदन करते हैं कि मेरे को मैया के पास आए हैं। राम जी कौशल्या मैया गिड़ गिड़ाने लगती है रोने लगती है कि मैं क्या करेगा तू तो? नहीं माँ मेरी ऐसी इच्छा होगी। राम जी ऐसा नहीं बोलते कि मेरे पिताजी ने मेरे को बोला है। लखन जी को खबर होती है तो लखन जी बोले कि जहाँ राम होगे वहां मैं होऊंगा। बात चलने लगती है कि राम जी वन में जाने वाले हैं। राम जी आज से यहाँ से अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। शादी करके आई हुई थी सीता मैया ने भी संत जैसे कपड़े धारण कर लिए है। सीता जी बोले कि जहाँ मेरे राम वहां उनकी सीता। आज सीता जी भी वन में जाने के लिए तैयार हुए हैं। अरबड़ो का बढ़ाओ बीगे जो ममता का आंचल आंसू बने गंगा जल हंसना हंसाना है रोना रुलाना है खोना है पाना और मुस्कुराना है। कहानी घर घर की कहानी घर घर की। मेरे भाइयों अभी एक सीरियल
पूर्णिमा कहा